हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोस रिएक्शन। स्वागत है आपका हमारी और ब्रांड न्यू वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो यार। क्या कर रहे हो अभी तक, ऐसी देख रहे हो तो ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सके बकाया और ताकि मिस कोई ना हो। जल्दी साथ अपने एडिटर की तरफ। मैं वजहत और मेरे साथ है मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो का टाइटल बताते चलूँ। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस पार्ट टू पार्ट मनाती कैरीमिनाती की वीडियो है, तो जल्दी से देखते हैं यार। कैरीमिनाती की वीडियो तो मेरे यार बहुत ही मजे की है। सो काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कैसे हैं आप लोग? आगे भैन चुप। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, ये कछुओं की रेस है जिसमें सुअर दौड़ते हैं और इस रेस का संचालक है बिग बॉस सलमान भाई। बिग बॉस सलमान भाई, दो बार बोल रहे बॉस सलमान भाई। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नादान परिंदों को पकड़ लिया गया है और उन्हें बोल दिया लो बैच। हाँ तो अगर होता होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता होगा रियल तो मुझे नहीं लगता है। नेक्स्ट रियल है तो फिर विशाल को जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर ऐसा है, अगर सलमान फट के बोलने पे 1740 लोग बोल रहे हैं, इसे लड़ना में ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। समझ नहीं आया। जो लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं ना, मुझे नहीं पता तुम धरती के कौन से तत्व से बने हो, लेकिन एक बात पक्की है, तुम साले अकेले ही मरोगे। खैर, अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी प्रतियोगी के। हमारे पहले प्रतियोगी हैं ये आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुझे ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा, जीता मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुझे ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घर दार छोड़ा। अनु मलिक का भाई ऐसा थोड़ा आता पकड़ मत लौड़ा। इनका नाम है अबू मलिक। अबू मलिक, अबू मलिक, गेस करो ये किसके भाई हैं? अनु मलिक। अपने भाई की तरह इनका भी पैशन है संगीत की गाड़ मारना। फी 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 फिजिक फाइन, सा 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 सॉलिड बॉडी डिजाइन, है तू नंबर वन लड़का, चेहरे पे कैसी शाइन। फी 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 मतलब फिजिक। कतई किस्मत का खा रहे बहन, क्योंकि इन दोनों भाइयों को संगीत बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इन्हें मीवी के कॉलर ईयरफोन्स देना चाहूंगा। इनमें तुम पूरा दिन बैठ के एक गर्म की चाय प्याली हो तो दिक्कत नहीं है, दुब दुब करके कैड़ा बेस भी आता है। ये इतने हल्के तुम इसे लिटरली पूरा दिन टांग सकते हो, कभी कभार तो तुम भूल भी जाओगे कि पैन भी रखे थे। और अगर इन्हें तुम्हें छुपाना हो तो भैया कॉलर में छुपा लो, नहीं तभी तो नाम कॉलर है ना। अब अगर बीवी बच्चों से भी बात करनी है तो आवाज का बढ़िया आदान प्रदान है। अब आपको क्या लगता है ये कब तक के रहेंगे घर में? ये तो कुछ कह नहीं सकता, मगर आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं लास्ट बार निकलूंगा। आइए कॉन्फिडेंस। कुछ घंटा नहीं उखाड़ा इसने बिग बॉस में, 2 हफ्ते में बाहर हो लिया। बहाने तो सुनो भाई साहब के। I did not connect with the girls because there was nothing so exciting about any of them. तो ये टीवी देखने की उम्र है, टीवी पे आने की नहीं, टीवी पे आने की शो उम्र देख के तो चुनो। बच्चन साहब भी तो कर रहे हैं ना करोड़पति, ऐसे कल को तो तुम स्प्लिट्सविला में चले जाओ, हमें क्वीन बनना, हमें क्वीन बनना। स्प्लिट्सविला मैंने देखा, अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर 2 पे, माहिरा द स्पेशल चाइल्ड। एक ही बार ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे मुड़ के ना देखे। और वैसे भी पैसा तो हाथ की धूल होती है ना, मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन के लिए काम करती हूँ। एक और लड़की जिसको लगता है वो स्पेशल है, खुद की ये मेरे को है जिसने मुझे पीछे मुड़के नहीं देखा। ये एटीट्यूड ना 2004 में मर गया था, तुम क्यों जिंदा हो? और इसका पैशन पता क्या है? वो कौन सी चीज है जो आपको बिग बॉस के घर की ओर खींच लाई है? फेम तो मिल जाता है। हैं? फेम तो मिल जाता है। बेटे कौन है तू? टिकटॉक में 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। अच्छा हाँ, फेम तो मिल ही जाता है, कोई कदर ही नहीं है ना। फिर ये कहते कि हमने स्ट्रगल किया, करण जौहर लौड़ा लसन। मेरे पास क्योंकि मैं रईस हूँ दिल से भी और वैसे भी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बता भी किसे रही है सलमान भाई, सही बात है। सामने खड़ा इंसान तुम्हारी 4 पुश्तें खरीद लेगा दिल से भी और वैसे भी। फोन पे टिकटॉक बना रही होगी भाई, चुपके से आएंगे और अरे वाह वाह भाई सलाम अलैकुम। सुना है आपने गुस्से में कुछ चीजें तोड़ी फोड़ी भी हैं? हाँ, आप भी जानते हैं कि जब गुस्सा आता है तो उस पर काबू तो रहता नहीं है। कभी कभी मेरे गुस्से पे तो फुल काबू है। क्या बजा दी ये वाले ये सब भाई क्या
जंगली भेड़िए और भेड़िए ही लड़ी है ये इंसान नहीं इंसेन है। बावड़ी तो ऐसे हो रही है जैसे कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया। अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर तीन पे, बी बॉय पारस, क्योंकि इस देश का हर पारस बी बॉय करता है। नहीं देखो यार, इन चीजों पे मजाक उड़ाना गलत बात है, ऐसे तुम किसी के सर से छत नहीं खींच सकते। गंजा, 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 ये लगता है गंजा था। ऊपर भाई की बातें सुनो, मेरे सुनने में आया था कि एक एक पप्पी से 800 कैलोरीज बर्न होती है। ओ चाचा चौधरी के चौथे चौदे, एक झापड़ में कितनी कैलोरीज बर्न होती है? कम से कम 8000। देख ले, क्या पता तेरे बाल भी आ जाए। ओके ठीक है, पारस की जी एफ बनी है माहिरा द स्पेशल चाइल्ड, लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का है। तो गर्लफ्रेंड लड़ो भाई, मेरे से पहली बार होगा। तेरा पहली बार मुझे लेना देना नहीं है, मैं भी कैमरे पे हूँ और भी लोग मुझे देख रहे हैं। मैं तेरा लूंगा, मैं तेरा लूंगा। मैं क्या कहना चाहते हैं, तूने बात बोल दी ना शो के बाद, क्या तू मुझसे बात नहीं करेगी? मैं तो अभी से बात नहीं कर रहा। जा, ओहो रिश्ते में दरार, अच्छी लंड मेरा। जब दूसरों से नहीं लड़ रहे होते तो एक दूसरे से लड़ते हैं, और फिर पारस भाई साहब एक जादू की झप्पी देते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। हाँ, इसमें तो लड़ाई ही होती रहती है। वही है जो तुझे करना होता है। ठीक है ओके, मैं दो मिनट किसी के साथ। जब भी और पारस अपनी जी एफ से नहीं लड़ रहे होते, वह एक और परिंदे से लड़ते हैं। ये लौंडा घर से कपड़े ही नहीं लेके आया, जब देखो नंगा पुंगा घूमता रहे। ये पौने तीन बजे ऊपर मजे का ऊपर म्यूजिक जो खुद बनाया है ना, उसने छोड़ के बाकी सब दिखा रखा है। नहीं मुझे समझ में आती है, तुम सेक्सी कूल डूड बनना चाह रहे हो, लेकिन लल्ला तुम लड़कियों से ज्यादा 50 साल के बुड्ढे एक्साइट कर रहे हो। तुम क्या हंस रहे हो टिकटॉक? तुम्हारा भी यही सीन है। अब पता नहीं कूल डूड के कौन से तारे टकरा गए, श्री जॉन फेलिक्स एंथनी सीना जूनियर, यू कांट सी मी वाला, उसने अपने इंस्टाग्राम पे क्या डाला? अनहोनी को होनी कर दे होनी। जॉन सीना बिग बॉस देखता है? कल्लू कुमार की उना कोटी में ये क्या डेवलपमेंट है? ऐसा तो जॉनी सिंस मेरी वीडियोस देखता होगा, 65 साल का होकर लॉन्डियो को बेबी डॉल पर नचवा रहा है। और क्या देखो, पूरी पूरी दाढ़ी आ गई है, तब भी मैदान दूर दूर तक साफ है। मजा आ गया रे, मेरे को एक एक चीज समझ में आ रहा था। खैर अब चलते हैं बी बॉय पारस और स्कूल डूड की लड़ाई पे। किस तरह डबिंग करता है ये बहुत। तू डोंट गिव मी दिस शिट, मुझे काले कवे आपस में लड़ रहे हैं, वो सब कह के दिन में सूरज निकला नहीं, रात में चांद आया नहीं, गुथाई करवा लो। जो लोग बिग बॉस देखते हैं तुम्हें पता है तुम लोग क्या करते हो? ये परिंदे लड़ते हैं और फिर उस लड़ाई को डिस्कस करते हैं, और फिर तुम उनकी लड़ाई और डिस्कशन दोनों को देखते हो, और फिर उसे दोबारा डिस्कस करते हो। मैं ना एक बाल्टी का आयोजन कर रहा हूँ, सब एक एक करके डूबेंगे, और जो परिंदे बिग बॉस के पहले सीजन में रह चुके, पता नहीं वो अपने विचार क्यों देते रहते हैं। तुम्हारा हो लिया ना, रुक जाओ यार। अब नहीं, आप ये सब डर उसको मत दीजिए, और पराग मेरे भाई भोजपुरी पिक्चर कोई साइन कर ले। श्री एजाज खान ये बात अपने अतीत को कह रहे हैं। यहाँ से लौड़ा फेंक के मारूंगा ना। क्या कर रहा था तू यार, चिल मैन। अब जब बीबॉय पारस नाम का जानवर शांत होता है, तब हमारे कूल डूड एक और परिंदे से लड़ते हैं। ये विनर था, इसको मैंने मीम्स में देखा था, ये विनर था। I take you to the candy shop, I let you lick the lollipop, but don't you stop, lick until you hit the spot. ये है सिद्धार्थ शुक्ला और शुक्ला जी, ये व्यक्ति हिला हुआ है, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया। पहले के एपिसोड्स में मुझे लगा कि एक साधारण गंजेड़ी है,
कैसा भी होगा, ऐसा कुछ नहीं जला होगा थोड़ा सा, ठीक है, पर खाना बन जाता है, घर खाना बन जाता है। लेकिन भाई ने फिर जो तबाही मचाई है, आप वही कर रहे हैं, हमें भी कर क्यों कर रहे हैं, आप वही कर रहे हैं, आप लड़के 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 कर रहे हैं, पहली बार देख रहा हूँ एक सांड कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा है। क्या आप गलत शो पे आ गए हो? रोडीज का सेट एक गली छोड़ के है, देखना छोटा सा गेट होगा, उसमें दो बड़े बड़े टट्टे बने होंगे, किसने खुला छोड़ रखा है। खैर एक इंसान है जिसकी तरफ शुक्ला जी थोड़ा नरम है, ये है कुड़ी पंजाब, पंजाब दी कुड़ी बुलबुल बुले शहनाज गिल। इसकी बिग बॉस की जर्नी कुछ ऐसी रही। ये है शुक्ला जी की GF, मतलब है भी नहीं भी है। As a friend वाला relation भी नहीं है मेरा तेरे साथ। Okay. As a boyfriend वाला relation भी नहीं है। कहने के चाह रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुम्हें बीमारी है, वो भी छुआ छूत की। टूट गए घुंगरू, बड़े मजे आ रहे थे ना, चुम्मा चाटी चल रही है, कडलिंग चल रही है, और फिर रात को चादर के नीचे हाथ घर किसका? बिग बॉस का। तो लड़ो बहन, क्या हुआ? जस्ट मैं नॉर्मली बात करूं, मेरे को नहीं करनी है तुमसे बात, एक मिनट रुक, ठीक है, मेरे को बात नहीं करनी है। क्यों? क्यों? क्योंकि गंद हो तुम। फिर से दिल में दरार, सही का भी वैसे। उसी रात को वाह भाई क्या बात है। अब चलते हैं द बिगेस्ट एंड द बॉगेस्ट फाइट पर, शुक्ला जी वर्सेस कूल डूड। पहले ये दोनों ही शांत बैठते थे, लेकिन फिर घर किसका? बिग बॉस का। तो कूल डूड कौन सा, वो निर्मा वाला है दूसरा? की तरह इनकी लड़ाई की भी चार स्टेजेस हैं। मुझे नंगा लगा, मुझे भी क्या बातें हैं। ये जन्म सिद्ध चूतिये सेब और संतरों पे लड़ रहे हैं, को देखा तो भागते हुए गए, लड़ाई रुकवानी है ना 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 ना। इन्हें देखा कि दो गोटे अकेले फुटेज खा रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी स्टेज पे, इसमें दो कॉन्डम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। नसीब है फटा नहीं, अरे फटा ना तीसरी स्टेज खतरनाक है, क्योंकि ये जात पात औकात सब पे चले जाते हैं। तूने क्या कर लिया लाइफ में? सॉरी, तूने क्या कर लिया लाइफ में? क्या किया लाइफ में? चौथी स्टेज पे चले गए। म्यूजिक इसके ऊपर सिद्धार्थ और आसिफ, हाथा भाई की नौबत नहीं आ रही। मेरा माता नहीं गया, जो माता मेरे पापा नहीं गया, जो माता मेरे पापा नहीं गया। अब उससे बहुत लोग पूछ रहे थे, कैरी तू किसको सपोर्ट कर रहा है बिग बॉस में? देखो तुम्हारा सवाल गलत है, तुम्हारा सवाल होना चाहिए कैरी क्या तुझे इससे फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि इन्हें लगता है वोटिंग इस चीज की हो रही है कि सबसे बढ़िया कौन है, लेकिन असल में वोटिंग इस चीज के लिए हो रही है कि सबसे चूतिया कौन है, क्योंकि बिग बॉस में तुम्हें सबसे ज्यादा फुटेज खाने के लिए चूतिया हरकतें ही करनी पड़ेंगी। अबे मैं तो कहता हूँ डरो, तभी मैं देखता नहीं हूं, जीतने से डरो। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, मारना ही पड़ेगा, बोला जब तक 2 मिलियन लाइक्स नहीं हो जाते तब तक वो मेरा योटा वापस नहीं करेंगे, तो मारना ही पड़ेगा यार। और गाइस नीवी की लव सेल चल रही है, तो तुम्हें ये कॉलर 1299 के मिल जाएंगे, और भी बाकी प्रोडक्ट में तगड़ी डीलें चल रही है, तो फटाफट mevi.in पे जाओ और अपनी रातें रंगीन बना। हमारे 10 मिलियन भी होने वाले हैं, तो वो जो लाल वाला बटन है उसे झटका दो या धक्का, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ यार, इतनी काय का सुनने के बाद ना मुझे ASMR की दुनिया में जाना पड़ेगा। बाय। मोहित वैलेंटाइन का क्या प्लान? हिल्ले हुलारी
आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुँह में ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुँह में ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा। क्या गाना गाया है बहुत अलग मैंने जीना मटके में पानी बता थोड़ा थोड़ा आता पकड़ मत लौड़ा मेरे प्यारे। और यहाँ पे वीडियो अब बढ़ते हैं अरेबियो की तरफ। यार वैसे वैसे इसने बिग बॉस को रोस्ट किया, कमाल का काम किया। मैं कहता हूँ कैरी मनाती भाई क्लैप होनी चाहिए तेरे लिए, मुझे खुद नहीं पसंद भाई। एक एपिसोड जिंदगी में मैंने देखी थी, उसके बाद मैंने नहीं देखा। मतलब सीजन 8 था जब छोटा होता था, मोबाइल तो होते नहीं थे, तो टीवी पर आता था शो तो देख लेता था, देख लेता। एक ही वो सीजन देखा है जिसमें वो मेरे ख्याल में वो फुल लड़कियों मड़कियों सब कुछ है वॉशिंग पाउडर निर्मा वाले देख के ना वही ना उनको एड में डाल देना चाहिए, एड आउट इनकी अच्छा बन गया। और फिर कूल डूड पे मस्त इसकी अपनी आवाज ही लगे कमाल है। और फिर वो दूसरे सिद्धार्थ शुक्ला पे भी इस तरह इन्होंने बनाया, तो यार मतलब क्या हाल है यार। और वो जो लड़की कहती है वो लड़की उसके होंठ बहुत बड़े थे वाकई में, और इसने सही उसको किया, उसको सही काबू किया इसने। और सल्लू को वो क्या कौन ही कहती पैसे तो मेरे पास है, चार पुश्ते खरीद ले। तो सही बात है भाई, सल्लू इसने जितना जिंदगी में कमाया नहीं होगा सलमान एक फिल्म को उतना कमा लेता है। नहीं जितना वो रही थी एक फिल्म से ज्यादा ही अमीर होगी, लेकिन सलमान खान में फिर लेवल एक है। फिल्म का 50-60 करोड़ लेता है भाई। और अभी तो अपनी भी बनाता होता है, इसके अपनी भी आप प्रोडक्शन है। तो यार मतलब काफी मतलब अच्छा रोस्ट किया, काफी अच्छा रोस्ट किया यार, मुझे तो पसंद आया। मैं कहता हूँ बिल्कुल जगह पे किया यार, ये मुझे समझ नहीं आती है बिग बॉस वालों, ये बिग बॉस में है क्या जो तुम लोग देखते हैं लड़ाई फिर एक हाथ फिर अगले दिन फिर उठो फिर लड़ाई फिर हाथ। मुझे ऐसी था भाई ना जब वो एकदम कहता है वो लड़ा और वो गंजा जैसा वो हाग जो किया वैसे से हाग किया यही तो मैं बोल रहा हूँ लड़ाई के बाद दाग हो जाता है। मतलब शिवा ने इस तरह के जिसको ज्यादा कैमरा नोटिस करे वो विनर हो। कैमरा मतलब कैमरे में मतलब इसमें ज्यादा बकचोदी जो साड़े का वो यानी वो है या लड़ाई करके करो या जो करते हो मतलब एक दूसरे को मारो पीटो जितना रोला डालोगे उतना तुम्हें कैमरा मिलेगा करेगा। तो लोग आगे वो जिससे कहता है कि ये छुड़ाने नहीं आया ये कैमरा कैमरा तो यार मतलब उसके लिए आए थे तो मतलब अच्छा ये सीन होते हैं। चलो भाई यार बिग बॉस वाला सॉरी टू से बिग बॉस मुझे खुद बुरा लगता है नहीं पसंद क्या कर सकते हैं अब अपनी चॉइस। काफी दुनिया देखती है इंडिया में तुझे क्या पता। वही तो मैं बोल रहा हूं मतलब चल रहा है ये। मैं मीम्स को तुझे पता है बहुत बड़ा शौकीन हूं, मीम्स मैं बहुत देखता हूं। तो मीम्स पे मुझे विनर ये बताया था और नीचे लोग रोने वाले कमेंट उनके तो नीचे फिर उनमें बिग बॉस के हेटर्स भी पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है यार आते हेटर्स भी बहुत है। यार इधर ही चलो वीडियो खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब। ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।